प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। इस योजना में 5 लाख रुपए का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। इसका उपयोग एक परिवार सदस्य कर सकता है, ये सारा परिवार मिलकर कर सकता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित होने से पहले किसी भी बीमारी से पीड़ित रहा हो उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए और साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सारे उपचार प्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही लाभार्थी माना जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वस्त योजना। दूसरी ये विशेषता है कि भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीय स्तर तक उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थी को मुहैया कराती है। तीसरी, 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीबी व वंचित परिवार इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन सेवा संस्थान अर्थात अस्पताल में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु, लिंग पर कोई सीमा नहीं। इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया गया है। एक पोर्टेबल योजना है, यह है यानी कि लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल परीक्षा उपचार और परामर्श पर अस्पताल में भर्ती से पूर्व देखभाल पर खर्चा, दवाइयां और चिकित्सा उपभोग पर गैर गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाओं पर नैदानिक और प्रयोगशाला जांच पर चिकित्सा आरोपण सेवा जहां आवश्यक हो, अस्पताल में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उपलब्ध होने वाली जटिलताएं का खर्चा, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक देखभाल का खर्चा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 6 श्रेणी के मापदंड निर्धारित हैं। D1 केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवार और कच्ची छत हो। D2 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो। D3 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हो। D4 विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो। D5 SC और ST वर्ग के गर्भ। D6 भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मैनुअल और कैजुअल लेबर से प्राप्त करते हों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए मापदंड, कूड़ा उठाने वाले भिखारी, घरेलू काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, चमकार, फेरी वाले, सड़क पर काम करने वाले, निर्माण कार्य, प्लम्बर, थम्बई मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा रक्षक, कुली, सिर पर बोझ उठाने वाले मजदूर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, माली, घरेलू कामकाज, कारीगर, दस्तकार, दर्जी, परिवहन कर्मचारी, वाहन चालक, कंडक्टर, सहवाहन चालक, गाड़ी खींचने वाला, रिक्शा खींचने वाले, दुकान कर्मचारी, सहायक, छोटी संस्थाओं में चपरासी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबल, मरम्मत कार्य करने वाले, धोबी और चौकीदार। ऐसी ही नई योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।